हेलो फ्रेंड, मैं हूँ नीलम और नीलम की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने रसोई में कचौड़ी बनाने वाली हूँ। ये कचौड़ी बनाने में ज़्यादा कोई भी खर्चा नहीं है और बहुत जल्दी बन के तैयार भी होने वाली है। सबसे बड़ी तो खास बात ये है इसमें कि ये कचौड़ी हम आटे से बनाने वाले हैं और इसको बिना दांत वाले आदमी भी खा सकते हैं आराम से। बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनने वाली है ये। तो ये कचौड़ी बनाने के लिए हमने लिया है चना सत्तू 200 ग्राम और हमने बारीक चार प्याज कट कर लिया है। ज़्यादा प्याज डालने से ये कचौड़ी बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पे हमने लहसुन लिया है 15-20 कली, हरी मिर्च लिया है हमने 6-7, और यहाँ पे हमने कलौजी सीड्स लिया है और सौंफ लिया है, धनिया लिया हमने, अजवाइन लिया है और मेथी लिया है हमने और जीरा लिया है। ये सब डालने से कचौड़ी बहुत ही मस्त बनती है। और यहाँ पे हमने भरवा मिर्च लिया है। अगर आपको भरवा मिर्च ना मिले तो ये सब मसाले और इसमें राई डाल के इसको आप ग्राइंड करके इससे भी बना सकते हैं आमचूर डाल के उसमें। तो सबसे पहले हम हरी मिर्च और लहसुन और भरवा मिर्च को ग्राइंड कर लेंगे। अब हम सबसे पहले कचौड़ी की स्टफिंग बनाएंगे। तो हमने एक लिया है यहाँ पे कटोरा, उसमें सत्तू को डाल देना है और जो हमने प्याज बारीक कट किया था उसको भी डाल देना है और आधा टेबल स्पून इसमें नमक डाल देना है। नमक आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। जो खड़े मसाले थे वो डाल देना है और जो लहसुन और हरी मिर्च ग्राइंड किया था वो डाल देना है और इसमें थोड़ा सा राई का तेल डाल देना है, करीबन 4 टेबल स्पून, और इन सबको मिक्स कर लेना है। स्टफिंग हमें ऐसी तैयार करनी है कि बांधने पे बिल्कुल बन जाए। इसको आप हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं या किसी भी टेबल स्पून से मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। ये बिल्कुल देखिए बांधने पे बंध रहा है। अगर स्टफिंग बांधने पे ना बंधे ऐसे तो आप इसमें और तेल डाल के इसको मिक्स कर सकते हैं। तो ये स्टफिंग बन के तैयार हो चुकी है। तो अब चलते हैं आटा गूंथने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमने आटा ले लिया है 1 kg। अब इसमें डालेंगे आधा टेबल स्पून से कम नमक। नमक हमें ऐसा डालना है कि स्वादानुसार इसमें पता चले। आप अपने स्वादानुसार नमक इसमें डाल सकते हैं और 4 से 5 टेबल स्पून इसमें तेल डाल देना है। कोई भी स्मेल वाला तेल नहीं लेना है। तो हमने यहाँ पे वेजिटेबल तेल का यूज किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद बिल्कुल रोटी की आटे की तरह इसको गूंथना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। तो देखिए हमने इसको गूंथ के तैयार कर लिया है बिल्कुल रोटी के आटे के जैसे, और थोड़ा सा हमने सूखा आटा इसमें ले लिया है। उसके बाद एक पतीले में आधा पतीला पानी रख देना है गैस पे गर्म होने के लिए। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक कचौड़ी बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा आटा ले लिया है, तोड़ के इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेना है। ऐसे इसको कट कर लेना है छोटे छोटे पार्ट में। एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ ये कचौड़ी बनाने के लिए। ये कचौड़ी अपने घर पे आप ट्राई करें, बहुत ही अच्छी कचौड़ी बन के तैयार होती है। तो देखिए ऐसा पेड़ा हमने बना लिया है। अब इसमें गड्ढा कर लेना है थोड़ा सा। तो देखिए ऐसे गड्ढा कर लेना है। ये गड्ढा हो चुका है। अब इसमें हम स्टफिंग को फिल करेंगे। तो आप स्टफिंग को ऐसे गोल गोल करके भी डाल सकते हैं या ऐसे ही उठा के उसके अंदर भर सकते हैं, मैं वो भी आपको बताने वाली हूँ। तो ऐसे स्टफिंग डाल के ऐसे उसको मोड़ना है, इसको बंद करना है। तो ऐसे घुमाते हुए और अंगूठे से प्रेस करते हुए इसको बंद करना है। तो देखिए धीरे धीरे बंद होते जा रहा है। ऐसे इसको करते हुए पूरा बंद कर लेना है। ये हमने पूरा इसको बंद कर दिया है। अब इसको ऐसे गोल गोल में घुमा देना है ताकि जो स्टफिंग है वो चारों साइड फैल जाए। घुमाने के बाद हल्का सा इसको हथेलियों से प्रेस करना है, एकदम हल्का सा। तो ये देखिए कचौड़ी बन के रेडी हो चुकी है। तो ऐसे ही बना लेना है। एक मैं और आपको बना के दिखाती हूँ। ऐसे ही पेड़ा बना लेना है सबसे पहले, फिर उसको गड्ढा करना है ऐसे।
और हाथ से लेके ऐसे ही स्टफिंग को इसमें भर लेना है। भरने के बाद सेम प्रोसेस से इसको भी ऐसे ही बंद कर देना है। आप इसमें स्टफिंग अपने अनुसार भर सकते हैं। तो देखिए सेम प्रोसेस से ऐसे ही बना लेना है। तो देखिए हमने इसको भी बना के तैयार कर लिया है। ऐसे ही सेम प्रोसेस से सारी कचौड़ियों को बना के हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए हम सारी कचौड़ियाँ बना के तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं अपने पतीले के पास, इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए पानी में अच्छे से उबाल आ रहा है। यहाँ पे गैस को हाई कर देना है ताकि अच्छे से उबाल इसमें आए। अब एक एक कचौड़ी इसमें डाल देना है उबलने के लिए। यहाँ पे हमने ऐसी कचौड़ी बताई है जहाँ पे तेल का ज़्यादा खर्चा ही नहीं है और बिना दांत वाले आदमी भी खा सकते हैं। तो इन कचौड़ियों को ऐसे हाई फ्लेम पे ही बॉयल कर लेना है। इनको जब तक बॉयल करना है जब तक उबल के ये ऊपर आने ना लगे। तो देखिए हमने सारी कचौड़ियाँ डाल दी हैं, कम से कम 15-20 हमने डाला है उबलने के लिए। और बीच बीच में इनको चलाते रहना है, ढक्कन से कवर कर देना है। तो देखिए बीच बीच में चलाते रहना है, हमने ढक्कन से कवर कर दिया था। सारी कचौड़ियाँ उबल के ऊपर आ चुकी हैं। ये कचौड़ियाँ पक चुकी हैं, जो नीचे होती हैं वो नहीं पकी होती हैं। तो देखिए सारी की सारी उबल के ऊपर आ चुकी हैं। अब इनको किसी स्टीमर में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक जालीदार लिया है, उसमें निकाल लेना है और इसको ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद कढ़ाई में तेल रखना है गर्म होने के लिए। तो देखिए तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे इसको फ्राई करने के लिए। तो ये कचौड़ियाँ पानी से ही पक चुकी हैं, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। इसको आप क्रिस्पी भी फ्राई कर सकते हैं और नॉर्मल भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है इसको। तो ऐसे बीच बीच में चलाते रहना है, बिल्कुल भी तेल नहीं लगता है इसको फ्राई करने में। और बहुत जल्दी ये गोल्डन ब्राउन हो के तैयार हो जाती हैं। तो देखिए कलर कैसे चेंज हो चुका है, ये गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी हैं। अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। आप किसी भी प्लेट में या बाउल में एक पेपर रख लें, जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। सेम प्रोसेस से हम बाकी की बची हुई भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ये भी फ्राई हो चुकी हैं गोल्डन ब्राउन, अब इनको भी हम निकाल लेंगे। तो देखिए सारी कचौड़ियाँ सीख के तैयार हो चुकी हैं। ये कितनी अच्छी कचौड़ियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं, खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो हम आपको एक तोड़ के दिखाते हैं, देखिए कितनी नरम और सॉफ्ट बनी हुई है। आप देख सकते हैं बिना दांत वाले आदमी भी इसको बड़े आसान तरीके से खा सकते हैं। अगर आपको इसको और खस्तेदार बनाना है तो और समय तक इसको आप फ्राई कर सकते हैं, इससे ये कड़े हो जाएंगे और खाने में और भी अच्छे लगेंगे। यहाँ पे हमने एकदम नरम सॉफ्ट वाली कचौड़ी बना के तैयार की है। तो देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हुई है। इसको यूपी स्टाइल में, जैसा कि हमने बताया, घाटी भी बोलते हैं, कहीं कचौड़ी भी बोलते हैं। तो ये कचौड़ी बन के तैयार है। ये रेसिपी अपने घर पे ज़रूर एक बार ट्राई करें और नीलम रसोई को कमेंट करके बताएं कि ये कचौड़ी कैसी बनी है। इसको आप एक बार बना के 2-3 दिन तक खा सकते हैं, ये 2-3 दिन तक ख़राब नहीं होती है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम एक भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।